अच्छा अजय पारी जब भी आते हैं और हमेशा ज्यादा ही फिट नजर आते हैं। yeah. तुझे भी आजकल घर पे खाने को मिलता नहीं है। Guys, it means I am losing my weight. Yes. तब्बू आप तो और श्रिंक हो गई पहले से। तो आपके शो पे आने के लिए ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। इतनी आपकी टीआरपी, व्यूअरशिप, आप हैंडसम तो मतलब ये शो का पहला झूठ। अजय सर और तब्बू की साथ में जो फिल्में आई हैं बड़ी मजेदार, आप सबको पता है, विजय पथ, हकीकत, गोलमाल फोर, दृश्यम, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में आपने साथ में की हैं, तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? आपने मुझे रिजेक्ट किया, किसी और से शादी कर ली, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? गरीब आदमी ना, पता है उस होटल में खाना बड़ा महंगा है, हम लोग ऐसे रेडी पे खाने वाले लोग हम लोग अप्रोच ही नहीं करते, जाते नहीं, पता है कि ना ही होनी है। और जब इनको फोन किया मैंने कहा मेरी शादी, हंसने लग पड़ी। आपको क्या लगा था हमारी शादी हो नहीं सकती? अरे सर ने फिल्मों में बड़े बड़े स्टंट किए हैं, आप सबको पता है, फूल और कांटे में दो मोटरसाइकिल पे आते हैं, सन ऑफ सरदार में दो घोड़े पे, फिर शिवाय में भी आपने जो लिप टू लिप स्टंट किया एक। क्या भिखारियों ग्रुप में मांगना शुरू कर दिया तुमने? हो नहीं सकता, तुझे आज पता चला है? मुझे पहले से पता था तेरा कुछ नहीं हो सकता। देख लो अर्चना जी, एंट्री में बाद में मारता हूँ, ये मेरी सासू माँ पहले बन जाते हैं और ताने मारने शुरू कर देते हैं। तो जब बहू ऐसी होगी तो वो ताने मारेगा ही ना। अच्छा अजय सर ने रकुल और तब्बू मैम के साथ फिल्म की है, तो जाहिर सी बात बहुत सारी चीजें जो आप इनके बारे में जान चुके होंगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि अगेन दर्शकों की तरफ से आए हैं। तो पहला सवाल ये है कि दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कौन लगाती है? अच्छा, रकुल और तब्बू के बीच? यार मैं शूटिंग करने जाता हूँ, इनको सूंघने जाता हूँ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। अच्छा जी, आप शूटिंग करने जाती कि इनको सूंघने जाती? सर मेरे को प्रोमो बहुत अच्छा लगा दे दे प्यार दे का, उसमें पूरी पिक्चर में आप बोल रहे दे दे प्यार दे, है ना सर? सर एक तरफ है तब्बू जी, एक तरफ है राकुल, फिर भी प्यार के लिए क्यों हो इतने व्याकुल? मेरा इधर ना सपना ब्यूटी पार्लर है, तो हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं मैम। किस टाइप का मैम? जैसे सर आपका फिल्म आया था कच्चे धागे, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज है। कैसे? इसमें क्या है मतलब? इसमें हम कस्टमर को पहले सा तेल लगाते हैं, फिर उसके कच्चे से जितने धागे निकल कच्चे से जितने धागे निकलते हैं उससे हम पहले उसकी थ्रेडिंग करते हैं। और फिर उसका मसाज पूरा करके उसको ऐसे लात मार के भेज देते हैं। कच्चे के बिना तब्बू जी भगवान के लिए मुझे हक दे, मुझे हक दे, मुझे गले लगा के बड़े बड़े स्टार्स को जला दो। तब आप बोलो हुक, बोलो हुक, हुक, रुक रुक रुक। अरे अंकल, आपको मालूम है ये जो घोड़े का जो पिछला पांव होता है, हाँ, उसको छूने से क्या होता है? वो दुलत्ती देता है। कभी टाइम निकाल के खाओ ना। नहीं, मैंने सुना है कि दुलत्ती खाने के बाद आदमी 6 महीना शांत रहता है। आप दोनों के लिए हमारे दिल से एक बात निकली है। क्या? Shut up! For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.